फॉसिल्स का सीक्वेंस का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन सा फॉसिल डिस्कवर हुआ था एंड वे ऑल नो सबसे पहले फ़िश का फॉसिल डिस्कवर हुआ था देन एम्फीबियंस का फिर उसके बाद जो है वो हमने जो एज वाइज जो ओल्डेस्ट फॉसिल है वो उसके बाद रेप्टाइल्स का आया और देन बर्ड्स का और फिर बर्ड्स के बाद जो था वो मेमर्स का फॉसिल जो है वो डिस्कव जो है वो डेट हुआ इट मीन्स के जो फॉसिल्स थे वो आगे पीछे डिस्कवर हुए लेकिन जो उनका डेट कार्बन डेटिंग से हमने उनका जो टाइम लाइन डिस्कवर किया जिसमें वो क्रिएट हुए थे वो जो है वो सबसे पुराना एम्फीबियन का और सबसे न्यू जो है वो मेमिलियंस का है क्वेश्चन फाइव है व्हाट इज़ कन्वर्जन एवोल्यूशन कन्वर्जन एवोल्यूशन में ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्योंकि एक ही इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं तो उनके चैलेंजेस सेम होते हैं सो दैट्स वाई हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेम करेक्टर से डिवेलप करता है लेकिन उनका जो ओरिजन होता वो है वो डिफरेंट होता है क्वेश्चन सिक्स है व्हाट इज़ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन मींस कि एक ही ऑर्गेनिज्म से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए और क्योंकि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो करें सर्वाइव करें तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट चैलेंजेस उन्होंने एक ही ऑर्गन को मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट तो ये जो ये है ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है क्वेश्चन सेवन है हाउ एनागस् ऑर्गन रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनोलगस मीन्स कि फंक्शनी सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है तो कन्वर्जन मीन्स कि क्योंकि वो कन्वर्ट जो है एक ही इन्वायरमेंट में एनिमल्स ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको चैलेंजेस सेम होते हैं और उन्होंने एक ही इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना होता है सो दैट्स आई वो अपनी बॉडीज़ को मॉडिफाई करते हैं लेकिन उनके बॉडीज के अंदर जो जीन होंगे वो उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करेंगे तो जो जीन पूल हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होता है तो वो डिफरेंटली जो है वो जीन्स को इवॉल्व करवाते हैं जैसे बैट क्योंकि ममेलियन और उन्होंने विंग्स को क्रिएट करना है तो बैट जो है वो अपनी स्किन को यूज़ करेगा बटरफ्लाई क्योंकि इंसेक्ट और उसने भी विंग्स क्रिएट करने हैं तो वो जो है वो स्किन यूज नहीं करेगा बल्कि उसके पास बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंट होता है तो वो कार्टन को यूज करेगा क्वेश्चन एट है मेक अ लिस्ट ऑफ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड इन मेल एंड कैटेगराइज इन होमोलोगस एंड ऑर्गन पहले होमोलोगस की बात कर लेते हैं पहले आपका अपेंडिक्स इज अ वे ऑफ का सीकम फिर आपके पास कॉकस या टेल बोन फिर विस्टम टीथ फिर हमारे पास जो है वो ईयर मसल्स हैं क्योंकि जो पहले एनिमल्स या आप मेमल्स को देखें तो वह कैट को देखें तो अपने ईयर्स को जो है वो इजीली मूव करवा सकती हैं तो हमारे ईयर मसल थोड़े बहुत मूव करते हैं लेकिन क्योंकि हम लोग अपने ईयर्स को अब ज्यादा मूव नहीं करवाते हम नेक को यूज करते हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर तो इसलिए जो होता है वो हमारे ईयर मसल्स जो मसल पैसेज ऑफ टाइम डीजनरेट हो, हो गए फिर हमोलोग की बात करें तो बोन्स ऑफ फोर आर्म्स इन बैट वेयर्स मेमल्स एंड डॉग्स पैटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव पिना इन मेल एंड अदर मेमल्स जो की रैबिट हॉर्स और डॉग्स के एनोलॉजी की बात करें तो बर्ड्स ऑफ द विंग्स एंड बटरफ्लाइस आयीना इन मेल्स एंड ऑक्टोपस हेड ऑफ मैन टेंटिकल एंड आर्म्स ऑफ देश क्वेश्चन इमेजिनेशन थे इनमेजिनेशन थे जो थे उनके अंदर इन्मेजिनेशन डिवेलप हुई और इन इमेजिनेशन ने जो था वो डबल मेम्रेन स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस जो था उनको डेवलप किया क्वेश्चन टेन है जस्टिफाइड एज एन ली प्रोपरूशन लमाक वॉज वन ऑफ़ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने जो था वो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को जो था वो प्रेजेंट किया था वर्ल्ड के अंदर और उसको जो है वो उनके जो था अथॉरिटी थी इनवर्टिब्रेड जोलॉजी के ऊपर और फिर जो है वो उनके वो टेक्सॉनमिस्ट थे लाइक डार्विन और उन्होंने जो था वो अपनी बुक पब्लिश की थी फ़िलासफी जोल्क्की और ये फ़िलासफी जोल्की के अंदर जो था वो उन्होंने एवोल्यूशन के आइडिया को जो था वो उस टाइम प्रेजेंट किया था जब उससे पहले जो था वो बहुत कम साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था और इसको जो था वो स्टडी किया हुआ था क्वेश्चन एलेवन है डिस्क्राइब द डार्क ड्रॉबैक्स ऑफ लमाकिज्म सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपने याद रखना है कि इसका कोई जेनेटिक बेसिस नहीं थी आपके कोई भी ऑर्गेन की जो मॉडिफिकेशन होती है वो उस टाइम तक तक जब जेनेटिक्स में चेंज ना आए जीन में चेंज ना आए वो मॉडिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट या नेक्स्ट पॉपुलेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकती क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन अबाउट द साउथ अमेरिकन मैन लैंड उसके एक ही ऑब्जर्वेशन थी कि जो जितने भी हैं दे ऑल हैव द सिमिलर साउथ अमेरिकन स्टैंप कि आप वो जो ऑर्गेनिजम्स को उठा लोगे तो क्योंकि वो एक सेम इन्वायरमेंट में जो है वो सरवाइव करें एज वी ऑल नो के कम्पेरेटिव एंड जो है ये इसके अंदर जो है वो अप्लाई होती है कि सारे क्योंकि एनवायरनमेंट सेम है ऑल्दो वे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है जेनेटिक बेस या उनकी डिफरेंट है लेकिन वो एक सेम एनवायरनमेंट की वजह से उनके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं एंड डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी कॉन्टिनेंट्स क्वेश्चन थर्टीन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स लैल एंड जेम्स हर्टन इन द डेवलपमेंट थेरी ऑफ the जो था उसने जो था वो प्रेजेंट किया था उसने जो था वो वर्ल्ड को चेंज होते हुए बताया था क्योंकि ने की को किया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी को देन ही अंडरस्टैंड क्योंकि जमीन बदलती है एनवायरनमेंट चेंज होती है तो उस चेंजिंग की वजह से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी भी अकॉर्डिंग चेंजेस जो होते हैं वो चेंज होती है और इतनी ज्यादा चेंज होते कि वो एक न्यू स्पीशी डिवेलप कर देती है

तो रिसोर्सेज होंगे वो दो से तीन होंगे तो जो एक का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है वो कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा और ये कॉम्पिटिशन जो होगा वो ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा क्वेश्चन फिफ्टीन है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड अल्फर वॉलेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑफ एवोल्यूशन डार्विन जब अपनी रिटर्न अपने ट्रिप से वापस आया था तो उसके जहन में पॉइंट ऑफ व्यू था लेकिन उसको जो था वो एविडेंस नहीं मिल रहा था सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा था इस चीज को प्रूफ करने का बिकॉज उससे पहले जो था सिर्फ एक या दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोल्यूशन को एक्सप्रेस किया था वो भी तीन या चार लाइनों के अंदर और उनके पास भी जो था वो एविडेंशियल प्रूफ नहीं था सो so, जब उसने अल्फ्रेड रसल वॉल्स की जो थी वो अपने ऐसे पढ़ा तो देन ही कंक्लूडेड कि उसके और अल्फ्रेड रसल वॉल्स के जो थे वो आइडियाज सिमिलर हैं बिकॉज वो दोनों जो थे वो अपने ट्रिप्स पे थे दोनों जो थे, वो अपनी शिप्स के तो को थे, और उस ने जो था, वो उन दोनों जो था, उसकी सबसे ज्यादा the the इन डिवेलमेंट ऑफ दिन क्वेश्चन है वो जो थे उनके माइंड के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो था वो स्पिरिचुअलिज्म आ गए रिलीजियस बिलीव्स जो थे उनके वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम तो उन्होंने जो था वो एवोल्यूशन से जो था वो किसकी तरफ डाइवर्ट हो गए स्पेशल क्रिएशन की तरफ, तरफ जो है था वो डाइवर्ट हो गए थे लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम डॉमिन को इंक्रेज किया था कि वो खुद से जो है वो अपने नेम के ऑथरशिप के अंदर जो है वो अपनी इस थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को जो था वो प्रजेंट करें

सो दैट्स वाई बिकॉज इट इज इवॉल्व इट इज एडेप फ्राम थे तो उसको जो है हम लोग नियो डाविजम कहते हैं या मॉडर्न थेरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं वट इज दें प्रिंसिपल हार्डिट प्रिंसिपल जीनेटिक्स स्टडी करने के लिए यूज होता है पॉपुलेशन के और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिनोटाइप और जीनो टाइप के अलियो कॉन्स्टेंट है, रहते हैं इन द फ्रॉम वन जनरे नेक्स्ट जनरेशन जब तक कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो किसी किस्म के फाइव फैक्टर्स में से कोई भी एक फैक्टर जो है वो चेंज ना हो जीनेटिक ड्रिफ्ट क्या है अनलाइ नेचुरल सिलेक्शन जेनेटिका होती है लक वो सरवाइव करते हैं चाहे वो इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल हो या ना हो वह अपने न्यू जीन्स की वजह से एक न्यू जनरेशन या पॉपुलेशन स्टार्ट करते हैं जिनके पास जो होता है वो सर्वाइवल के ही जीन्स होते हैं और यहाँ पे जो होता है वो इन्वायरमेंट जो है वो चूज नहीं करती ट्रेड्स की बेसिस पे इन्वायरमेंट चूज करती है लक की बेसिस पे एंड इट्स टोटली रेंडम What are the factors that change the allele frequencies? Allele frequencies ko factors change migration, mutation, non-random mating, selection. Question 22 define, describe and explain the evolution. Evolution of change over time, homology.

तो ये सारी जो थी ये थे ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म था यानी कि एक ही यूनिवर्स या एक ही प्लानट से जो था वो डिफरेंट फॉर्म्स जो थी वो इवॉल्व हुई है न्यो डाउिज्म न्यो डाउिज्म इट इज द आइडिया दैट इज अडेप्टेड फ्रॉम द डाइजम और ये जो था ये एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करी थी विद द हेल्प ऑफ मोलिक्यूलर जिनेटिक्स एंड जीन पूल हार्डी वन पे प्रिंसिपल जो है ये उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फ्रिक्वेंसीज ऑफ अलील्स होती हैं किसी भी पॉपुलेशन में वो चेंज नहीं होती कांस्टेंट रहती हैं अनटिल अनलेस जो कंडीशन है वो चेंज ना हो स्टेबल हो बॉटल नेक इफेक्ट ये होता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से रिड्यूस हो जाए और जो सर्वाइव करें वो जो है वो सिर्फ उसी जो है पॉपुलेशन की जो सर्वाइवल्स होते हैं उन्हीं के जीन्स को न्यू पॉपुलेशन कैरी करिए फाउंडर इफेक्ट ये होता है कि जब एक पॉपुलेशन के कुछ ऑर्गेनिजम्स न्यू एरिया एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो अपने साथ वो जो होता है वो जीन्स लेके जाते हैं जो कि पिछले पेरेंटल पॉपुलेशन की जो होती है वो टोटल रिप्रेजेंटेशन नहीं होती स्पेशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन उस टाइम होती है जब पॉपुलेशन के अंदर जो होता है वो जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक चेंजेस लेट टू दी जियोग्राफिकल आइसोलेशन और एक न्यू स्पेशी को क्रिएट करनी होती है एलोपैटिकेशन में ये होता है कि जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होती है वो न्यू स्पेशी क्रिएट करी होती है पैरापैटिक आइसोलेशन में ये होता है कि डिफरेंट लाइफ स्टाइल डिफरेंट नीच की वजह से ऑर्गेनिजम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और विदेज ऑफ टाइम इवॉल्व होकर एक न्यू स्पेशी क्रिएट कर रहे होते हैं थैंक यू